पहले आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खास बातें न्यूज 11 भारत के साथ देख रहे थे, सुन रहे थे। तो न्यूज 11 भारत पर सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार के दो साल की उपलब्धियां गिनाई है। विपरीत परिस्थितियों में बेहतर कार्य करने की कोशिश, उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी में भी राज्य अपने पैरों पर खड़ा रहा। जनता के लाभ के लिए योजनाएं बनाई गई, सभी के लिए पेंशन योजना लागू की गई। झारखंड अति पिछड़ा प्रदेश है, मुख्यमंत्री ने कहा। वैश्विक महामारी में बड़ी चुनौतियों का सामना झारखंड ने किया है। पूरी मशीनरी को पंचायतों में केंद्रित किया, गांव बन रहे हैं सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 33 लाख शिकायतें आई है, 22 लाख का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया है। वैश्विक महामारी में भी राज्य अपने पैरों पर खड़ा रहा है। सबको स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। सरकार ने नियुक्तियों के लिए नियमावली बनाई है और जान लाभ आधारित योजनाएं बनाई गई है। 20 साल से राज्य को दिशा से भटकाया गया, हमारी सरकार ने अब राज्य को एक दिशा दी है। निराश्रितों की मानसिक पीड़ा दूर की गई है। सभी के लिए पेंशन योजना लागू की गई है। पहले की पेंशन योजना बिखरी हुई थी, लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था। अब पारा टीचर्स राज्य की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बनेंगे। सभी अनुबंध कर्मियों की परेशानी पर सरकार का ध्यान है। स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर्स को मौका मिलेगा, निर्माण और उद्योग में स्थानियों को मौका मिलेगा। मॉब लिंचिंग कानून से सिर्फ विरोधियों को ही परेशानी है। निवेश भी हो रहा है, नियुक्तियां भी मिल रही है। हमने हजारों युवाओं को नियुक्ति दी। ये तमाम बातें न्यूज 11 भारत के साथ खास बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है और हम भी जानना चाहते थे कि सरकार क्या सोच रखती है, सरकार किन सोच विचार के साथ, क्या विजन के साथ आगे बढ़ रही है। क्योंकि हम एक जिम्मेवार न्यूज चैनल और हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने दर्शकों को उन तमाम चीजों से जो कि सरकार के जहन में उससे रूबरू कराए। नियुक्तियों पर बात हुई है, बहुत सारी चीजों पर बात हुई है, रोजगार सृजन योजना के तहत लोन दिया गया, ये तमाम बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।